नमस्कार, फसल सलाह ऐप में और फसल सलाह के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फसल सलाह पर हमारे चर्चाएं सेक्शन में या फसल जोड़ने के बाद आप जो फोटो भेज रहे हैं उसमें निरंतर हमने अध्ययन करके ये पाया है कि आजकल गेहूं में पीलापन की समस्या भी काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे अधिकतर किसान भाई, उनके गेहूं में पीलापन की समस्या अभी आ रही है और जानकारी के अभाव में वो कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर देते हैं। कई बार वो घास फूस जो लग जाते हैं आपके गेहूं के फसल में, उसके लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल कर देते हैं। पर जो मुख्य कारण है गेहूं के पीलापन के पीछे, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आप सही से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसमें क्या स्प्रे करना है और किससे पीलापन की समस्या ख़त्म हो सकती है। सबसे पहले गेहूं में जो पीलापन है उसके मुख्य रूप से तीन कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि इसमें नाइट्रोजन या जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी, इनके कमी के कारण भी गेहूं में पीलापन देखने को मिलता है। और ज़्यादातर केस में अभी जो पीलापन के कारण हैं वो गेहूं में नाइट्रोजन और जिंक की कमी ही है। इसको दूर करने के लिए आपको यूरिया और जिंक सल्फेट, ये दो खाद गेहूं के फसल में देने जरूरी है। लगभग 2.5 से 3 किलो यूरिया, 2.5 से 3 किलो जिंक सल्फेट आप एक बीघे में दे सकते हैं अपने गेहूं के फसल में। इससे क्या होगा कि गेहूं में जो अगर पीलापन की समस्या इनके वजह से हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो हो सकता है कि गेहूं में किसी तरह के कीट लगे होंगे। जैसे आप जो गेहूं के पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो उसके जड़ में कई बार माहू लग जाते हैं, तो माहों के वजह से भी वो क्या होता है कि वो चूसक कीट होते हैं। वो गेहूं से जो महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं वो चूस लेते हैं, जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन की समस्या हो जाती है, गेहूं सूखने जैसे हो जाते हैं। तो आप फिर ऐसे इसको कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको गेहूं के पौधे को उखाड़ना है, उनके जड़ में अच्छे से ध्यान से देखना है कि क्या इसमें कोई कीट नज़र आ रहा है क्या। अगर कीट नज़र आ रहा है तो यहाँ पर फिर आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना होगा। इसमें मुख्य रूप से आप दो कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। एक क्लोरोपायरीफॉस नाम की दवाई आती है, ये 20 EC और 50 EC मार्केट में उपलब्ध होती है। वो पैकेट पे लिखा होता है क्लोरोपायरीफॉस 20 EC या क्लोरोपायरीफॉस 50 EC। अगर आप 20 EC दवाई लेते हैं तो ये 750 ml से लेकर 1 लीटर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक एकड़ में। अगर आप 50 EC वाली ले रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पर 300 से 350 ml आपको एक एकड़ में इस्तेमाल करना है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि आप, कई किसान ऐसे होते हैं जो इन कीटनाशक का प्रयोग यूरिया के साथ मिला के कर देते हैं, ऐसा ना करें। आपको करना ये है कि एक रात पहले जो रेत होती है, रेत में इन कीटनाशक को मिला लें। लगभग मान के चलिए एक एकड़ के लिए 12 किलो 15 किलो रेत ले लें, उसमें इन कीटनाशकों को मिला कर रख दें और फिर उसके बाद कल आप इसको गेहूँ में दे दें और उसके बाद आप चाहें तो सिंचाई भी कर सकते हैं इसके बाद। इसके अलावा अच्छा, ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण ये हो सकता है कि गेहूं में फफूंद लगने से भी पीलापन की समस्या हो सकती है, पर ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि कोई कीट नहीं है, आपको लगता है कि फफूंद का संक्रमण है, जैसे पीलापन के साथ साथ काला भी हो जा रहा है, गेहूं के पत्ते आप देखेंगे तो उसमें आपको काला या भूरे रंग आपको देखने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में समझिएगा कि ये फफूंद के वजह से हो रहा है। और ये फफूंद को रोकने के लिए आप जैसे मैंकोजेब या कार्बिंडाजिम नाम की दवाई काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इन दवाई का आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कीट की वजह से भी नहीं हो रहा है और फफूंद की वजह से भी नहीं हो रहा है तो फिर साफ है कि कारण नाइट्रोजन और जिंक की कमी है। फिर उस केस में आप यूरिया और जिंक सल्फेट मिलाकर अगर आप गेहूं में दे देंगे तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फसल सलाह ऐप पे बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी कोई भी फसल जो भी आप उगा रहे हैं उसकी फ़ोटो भेजें और मुफ्त सलाह हमसे प्राप्त करें। इसके अलावा फसल सलाह ऐप पे आप अपने गाँव के मौसम की जानकारी, मंडी के रोज़ाना भाव और कई तरह की ऐसी सेवाएं हैं जो फसल सलाह ऐप पर उपलब्ध हैं। एक बार आप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए, आपको पसंद आएगा। इसके साथ साथ ये यूट्यूब चैनल है फसल सलाह का, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो फसल सलाह ऐप पर आपको हर हफ्ते दिया जाता है। धन्यवाद।